Hello everyone, this is Pavan Sharma and friends, so I welcome you all to my channel. And guys, in this video we'll talk about the stocks for 20th of July and the day would be Monday. So let's talk about it. और बात करते हैं मार्केट डैशबोर्ड के बारे में. डैशबोर्ड वो सेक्शन है जहां हम ये देखते हैं कि हमारा लास्ट सेशन मार्केट का कैसे क्लोज हुआ और उसमें कैसे कौन रीजन रहा उस क्लोजिंग का. कल हमारा जो है मार्केट सडन पूरा दिन जो है एक रेंज बाउंड में रहा. अगर आपको याद है मैंने आपको टेलीग्राम पे एक निफ्टी का चार्ट सेंड किया था. उस पूरे दिन में टिल 12:30 तक वो रेंज बाउंड था. अचानक 2:30 के बाद में राइज हुआ और जब राइज हुआ तो निफ्टी ने क्लोज किया है 10,901 अप मूव जाके. सेंसेक्स हमारा हुआ 37,020. यूएसडी आईएनआर हमारा हो गया 74. कल से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 74.96 और अप्रिशिएट हुआ है. बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहा है एज कंपेयर टू द एंटायर निफ्टी. अगर हम इसको 160 बोलें तो कम से कम 600 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था. बट स्टिल रीजन था लास्ट आवर रैली लेड बाय द एनर्जी स्टॉक्स और स्पेशल रिलायंस. अकेले रिलायंस ने, एचडीएफसी बैंक ने, इंफोसिस ने मिलकर 100 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं कल जो है हमारे निफ्टी को. और कल फाइनली निफ्टी क्लोज हुआ है 20 डीएमए के ऊपर. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जो है एफआई ने नेट बाय किया 697 करोड़ का, डीएन नेट सेल किया 906 करोड़ का. चलिए बात करते हैं चार्ट्स के बारे में कि चार्ट एनालिसिस जो मैंने कल आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं कौन कौन से स्टॉक्स में कैसे हमें मूवमेंट लेना है उसके लिए मैं चार्ट पे आते हैं. मेरा पहला पिक रहेगा टाइटन का. ओके, टाइटन ये मैंने 1 आवर चार्ट है आपके जो मैं लेके आया हूं. टाइटन में अगर हम चेक करेंगे तो अगर आप यहां चेक कीजिएगा और यहां चेक कीजिएगा, आप देख रहे हैं ये लास्ट वाला कैंडल. लास्ट कैंडल में जो आप चेक कर रहे हैं वो है हमारा एक ग्रेवस्टोन डोजी और ये जो पूरा सर्कल है यहां से अगर आप ये चेक करेंगे 1000 वाला रो, ये एक रेसिस्टेंस का भी काम करेगा. लेकिन अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है, अगर टाइटन उसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा. बिकॉज अभी के लिए वो 20 पॉइंट बहुत ज्यादा है टाइटन को अपमूव के लिए. लेकिन अगर यहां पे ये वाला पॉइंट चेक करेंगे, यहां पे ये वाला पॉइंट चेक करते हैं, अगर आप यहां पे ये वाला पॉइंट चेक करते हैं तो दोनों में आपको एक रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड मिल रहा है. और यहां देखिए पूरा दिन इसने 990 के आसपास आके पूरा दिन स्टे किया है. उसके बाद सडन लास्ट 2 आवर्स में एक बाउंस लिया है. तो इसलिए हम जो है टाइटन को मैंने चूज किया है आपके लिए फॉर टुमोरो. उसके बाद हम बात करते हैं बीपीसीएल की. बीपीसीएल के लिए मैं डेली चार्ट पे लेके आऊंगा आपको. 1 आवर राइट डेज डेली चार्ट. ओके, डेली चार्ट में थोड़ा सा स्क्वीज करता हूं आपको दिखेगा कुछ. अब देखिएगा यहां पे एक चीज देखने को है. आप यहां देखिएगा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे राइट यहां देखिएगा. यहां पे थोड़ा सा आगे कर देता हूं आपको चार्ट के लिए. सॉरी, ये ठीक रहेगा राइट. अब यहां देखिएगा वापस ये जो पॉइंट है और यहां देखिएगा. और इससे पहले ये जो दो कैंडल हैं 360 से लेके 430, मतलब ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कितना बड़ा रैली है जो. और यहां पे हर्डल जो है हमारे पास काफी है. ऑलमोस्ट निफ्टी का चार्ट भी सेम बात कर रहा है अगर हम बात करेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह फेस करेगा बीपीसीएल. तो मैं ये कहूंगा अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगी. लेकिन अगर ये फॉल करता है यहां से तो एक बड़ी मूवमेंट हमें फॉल करने में जो है बीपीसीएल में चेक मिलेगी. तो आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा, सॉरी अभी आदत नहीं पड़ी है बट आई विल बी फाइन इन फ्यू डेज. अगला है हमारा भारत फोर्ज. तो लेट्स लुक एट भारत फोर्ज. भारत फोर्ज में मैंने कुछ ऑलरेडी आपके लिए बना रखे हैं ये पॉइंट्स. देखिए भारत फोर्ज में एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और फिर ये. अब देखिए लगातार उसी पॉइंट पे आके भारत फोर्ज होल्ड कर रहा है. एक अगर मैं ये कहूं कि जो ये है रेंज जो है ये एक रेंज बन गई है भारत फोर्ज में, जिसमें से एक बार ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, इस बार फिर से ट्राई कर रहा है.
अगर ये पैटर्न देखेंगे तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या करता है कि जब आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेक लाइन होती है, नेक लाइन कहां बनेगी हमारी, ये नेक लाइन है और दूसरी नेक लाइन है, तो ये जो नेक लाइन है यहां से लेकर यहां तक ये ब्रेक होती है तो एक बड़ी बाउंस बैक हमें भारत फोर्ज में देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर। इसीलिए मैंने कल के लिए भारत फोर्ज को आपके लिए पिक किया है। आगे बढ़ते हैं तो उसमें लेवल चेक करेंगे। अगला है हमारा टाटा स्टील का। टाटा स्टील में देखते हैं क्या करते हैं। टाटा स्टील में जो है ऑलमोस्ट काफी दिन तक इसी रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद टाटा स्टील ने एक पैटर्न बनाया है जिसको कहते हैं राउंडेड बॉटम कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो एक गैप था, ये जो गैप था ये फिल हो जाएगा। अगर ये अपने गैप को फिल करके ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर यहीं से नीचे गिरेगा तो एक काफी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी टाटा स्टील में, तो इसीलिए हम टाटा स्टील को पिक कर रहे हैं। और इसमें जो है ऐसा लग रहा है कि अगर ये गैप आ जाता है यहां से लेके तो विच मींस ये कप है, एक हैंडल बनेगा और हो सकता है ये 320 तक नीचे आके अपना हैंडल बनाए, तो इसको कप विद हैंडल पैटर्न कहा जाएगा। अदरवाइज ये यहां से अगर ऊपर जाएगा तो ये आई थिंक यहां तक जाना चाहिए फिर 360, बट 350 से नीचे, 345 से नीचे आएगा तो बहुत तेजी से नीचे भी गिरेगा। राइट, चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने फाइनली अपने इस जो है एक गैप जो हमारा बना था यहां पे उसको फिल कर लिया है। अब निफ्टी के पास में 11,040 का आराम से टारगेट अचीव हो सकता है, मतलब 150 पॉइंट्स अभी से ऊपर जा सकते हैं और आराम से उसको कवर किया जा सकता है। निफ्टी के पास में इतना स्ट्रेंथ है अभी, उसके बाद जो है अगला डिसाइड होगा कि निफ्टी क्या करेगा, इसके ऊपर टर्न करेगा या यहां से टर्न करेगा। लेकिन 11,040 का लेवल इसके लिए क्लियर हो गया है एंड फ्रॉम देयर वी माइट सी सम फॉल, इफ नॉट वहीं पे होल्ड करता है तो राइज। और इसके पास में अब जो है हमारे पास में 10,800 का हमारे पास में सपोर्ट भी निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये है हमारे क्रूशियल लेवल्स ऑफ निफ्टी और ये रीजन है हमारा कि मैं आपको अभी निफ्टी के वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा। सो लेट्स कीप इट दैट वे फॉर नाउ। और अगला है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट लिया, यहां से शुरुआत किया। अगर आप देखिएगा इसमें अब ये होना चाहिए तो या तो यहां तक जाए, अगर ये अपने करंट लेवल को ब्रेक करेगा, इसके पास में क्या रेसिस्टेंस है, इसके पास में अब रेसिस्टेंस रहेगा 23,000 का, जबकि क्लोजिंग ऑलमोस्ट 966 पे है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली 20,000 पर जाएगा। ये रेसिस्टेंस है जो यहां पे वो हिट करेगा उसको 23,000 का, 22,000 जो है अभी ऑलमोस्ट आ चुका है। ओके, और इसके पास में ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, इट विल समवेयर बी 22,500। तो 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है अगर बैंक निफ्टी, तो हम बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,000 के लिए। अदरवाइज इमीडिएट हर्डल यही रहेगा, अगर ये गिर जाता है तो मूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ लेवल्स के बारे में। आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम हियर, फटाफट इसको मूव करेंगे। तो चार्ट पे आपने देखा, अब हम बात करते हैं बाइंग और सेलिंग्स के बारे में। तो टाइटन में 1005 के ऊपर हम बाय करेंगे और 990 के नीचे हम सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 1015 का, सेकंड टारगेट 980 का नीचे की तरफ और 970 का सेकंड टारगेट ऑन द सेलिंग साइड। 1000 सेलिंग साइड की तरफ आपका वो रहेगा स्टॉप लॉस और 995 हमारा बाइंग की तरफ रहेगा। और गाइस एक एडवाइस मैं आपसे हमेशा कहता हूं, देखिए जब स्टॉक में आप एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में और स्पेशली इंट्राडे में आप आते हैं, तो इंट्राडे की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि पूरा दिन अगर उसमें बैठे रहेंगे तो जितना आपने अर्न किया है वो सारा वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इंट्राडे में अपने 45 मिनट तक कोई ट्रेड चल रहा है उस पर नहीं वो कर एग्जिट, आपने जो है ना तो प्रॉफिट मिला है ना लॉस मिला है,
आप फटाफट एग्जिट कर लिए, यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। हर किसी ट्रेडर की लाइफ में लूजिंग डे होते हैं। अगर हम 22 दिन या 20 दिन की बात करते हैं तो 20 दिन में से 3 से 4 दिन हमेशा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बैड डेज रहेंगे। उस बैड डेज को 3% के बीच में अगर आप कवर कर लेंगे, देन यू विल नेवर बी आउट ऑफ द मार्केट एट ऑल। बीपीसीएल में हम बाय करेंगे 448 के नीचे और सेल करेंगे 440 के नीचे। स्टॉप लॉस हमारा दोनों तरफ रहेगा 444, 452 और 456 हमारा पहला दूसरा टारगेट रहेगा, 436 और 432 हमारा सेलिंग की तरफ टारगेट रहेगा। टाटा स्टील, टाटा स्टील को हम बाय करेंगे 354 के ऊपर और 348 के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 351 का रहेगा। बाय साइड में हमारा पहला टारगेट रहेगा 357 और 360 का दूसरा टारगेट रहेगा। सेल साइड में 345 और 342 का हमारा टारगेट रहेगा ऑन द नेगेटिव साइड। और गाइस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। देखिए, आप बहुत पैसा देते हैं कभी कभी अपने टिप्स के लिए, आपके मैसेज मेरे पास भी आते हैं, इसलिए मुझे पता है, एंड यू आर रेडी टू पे ऑल्सो। क्यों पे करते हैं? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि 100% वहां मिलेगा आपको, और हम जो है आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। वी आर नॉट चार्जिंग यू मनी, विच मीन्स जो भी हम टिप्स देते हैं उसका बेस्ट रिजल्ट हम सोच के आपको प्रोवाइड करते हैं। हमें कोई ये नहीं रहता कि आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा तो आप हमें फटाफट पैसा देंगे, और लॉस कराएंगे तो आपका फियर में ज्यादा पैसा देंगे। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज डोंट कीप दैट इन माइंड। बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में। 380 पे बाय कीजिएगा, 374 पे सेल कीजिएगा। 377 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 383, सेकंड टारगेट 386, 371 का पहला टारगेट, 368 का दूसरा टारगेट रहेगा भारत फोर्ज में। निफ्टी की बात करते हैं। जैसे निफ्टी में मैंने अभी आपको बताया कि पहला टारगेट हमने जो मैंने आप देखिए सेकंड टारगेट मैंने पहले ही लिख दिया है कि 11,050, क्योंकि अब उसके लिए इजी हो गया है, और वो एक ऐसा हर्डल है जो पहले वाला गैप बना था उसको फिल करना है। तो आप उसको 950 के ऊपर बाय करेंगे, 11,020 का आपका पहला टारगेट, 1150 का सेकंड। सेल करेंगे ओनली वेन इट विल ब्रेक 10,850, पहला टारगेट 780, सेकंड टारगेट 740 का रहेगा। और बाय साइड में स्टॉप लॉस 915 करेगा, सेल साइड में स्टॉप लॉस 885 करेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का पहला हर्डल हमारे पास यहीं पे आ रहा है 22,500 के ऊपर। 22,300 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, बाय हम करेंगे 22,050 के ऊपर, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 21,980 का, सेल हम करेंगे 21,850 के नीचे। पहला टारगेट 21,600, सेकंड टारगेट 21,500 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 21,930 का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिकैप के बारे में। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपका अभी वीकेंड पे, आई हैव इनफ टाइम दिस वीकेंड। उस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। आपके कभी कभी मैसेज आते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं कहता हूं कि फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। आप पहली बातों को कोरिलेट नहीं करते, अभी की बात को क्लब करते हैं। इसका बहुत सारा मेजर रीजन है, तो उसको मैं आपके आने वाले वीडियोस में एकदम बताऊंगा, और रेगुलरली इसको कंटिन्यू करेंगे जहां पर आपके स्टॉप लॉस बचाए जा सकते हैं। तो ये हमारा रिकैप था। M&M सेकंड टारगेट, हिंद पेट्रो सेकंड टारगेट बाय, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड लुपिन एसोलेट ऑन द सेल साइड। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस अब इंटरेक्टिव और ज्यादा हो जाएंगी, मैं आपको चार्ट के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ द मार्केट इन कमिंग टाइम। और अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट ऑल दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस, इन केस यू आर टेकिंग एनी ट्रेड ऑन आवर रिकमेंडेशन देन डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर दैट। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आते हैं, आप लिख सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वी विल गोइंग टू पिक देम अप। सेकेंडरी आपका जो है, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्दर लिंक्स भी हैं, आप उनको यूज करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट गाइस, आई विल सी यू इन टू माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।